नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं 24 सितंबर से पहले चरण के वोट डाले जाने लगेंगे। इसी कड़ी में आज हम आपको चौथे चरण के मतदान से लेकर मतगणना तक की सारी जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार चौथे चरण का मतदान 20 अक्टूबर को होने वाला है, जो कि कुल मिलाकर 36 जिलों में आयोजित करवाया जाएगा, जहां पर 53 प्रखंड में चुनाव का आयोजन करवाया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार मतदान केंद्रों की संख्या 11,318 है, जिसके लिए 7,729 मतदान भवनों का चयन किया गया है। इसके अलावा आयोग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार चौथे चरण का प्रपत्र 5 में सूचना प्रकाशन 24 सितंबर को किया जाएगा। वहीं नामांकन की प्रक्रिया 25 सितंबर से शुरू होने वाली है, जो कि 1 अक्टूबर तक जारी रहेगी, जिसके बाद आएगी स्क्रूटनी की बारी। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार स्क्रूटनी की अंतिम तारीख 4 अक्टूबर निर्धारित की गई है, जिसमें योग्य और अयोग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। हालांकि इस दौरान आयोग ने सभी उम्मीदवारों को अपना नाम वापस लेने की छूट भी दी है, जिसके तहत अगर कोई उम्मीदवार चौथे चरण में नामांकन वापस लेना चाहता है तो उनके पास 6 अक्टूबर तक का समय रहेगा। इसके साथ ही सिंबल आवंटन का काम भी इसी दिन यानी कि 6 अक्टूबर को किया जाएगा। सारी प्रक्रिया होने के बाद 20 अक्टूबर को मतदान का आयोजन करवाया जाएगा। वहीं मतगणना 22 से 23 अक्टूबर को आयोजित होगी। इसके साथ ही अगर हम चौथे चरण के जिलों और प्रखंडों की बात करें तो चौथे चरण में इटाढ़ी, तरारी, चांद, सासाराम, तिलोंथू, दुल्हिन बाजार, बेहटा, इस्लामपुर, राजगीर, कोंच, गरुरुआ, अकबरपुर, रफीगंज, हुलासगंज, कलेर, मशरख, पानापुर, गुठनी, मैरवा, नौतन, कटैया, पंचदेवरी, लालगंज, चेहरा कला, मुशहरी, बोछा, केसरिया, ढाका, बघा, डुमरा, मनीगाछी, तारडी, राजनगर, खजौली, विभूतिपुर, राघोपुर, सत्तरकटैया, सिंहेश्वर, शंकरपुर, किशनगंज, धमदाहा, मनसाही, हलका, समेरी, नरपतगंज, रामगढ़ चौक, नावकोठी, खोदावंतपुर, गोगरी शेष क्षेत्र, असरगंज, सोनो, शाहकुंड, बौंसी प्रखंड में चुनाव होंगे। ज्ञात हो बिहार में पंचायत चुनाव का आयोजन जल्द ही शुरू होने वाला है। पंचायत चुनाव को लेकर अब तैयारियों का दौर भी शुरू हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से साझा की गई जानकारी के बाद से अब बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। कोरोना और बाढ़ के बीच चुनाव का आयोजन करवाना राज्य निर्वाचन आयोग के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि उम्मीद यही जताई जा रही है कि तमाम बाधाओं के बावजूद पंचायत चुनाव का आयोजन करवा लिया जाए, ताकि गांव की सरकार समय पर बन सके और गांव में विकास कार्य भी हो सके। हालांकि फिलहाल जून में पंचायत चुनाव के प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म हो गया था, जिसके बाद से ही पंचायतों की जिम्मेदारी परामर्शी समिति के हाथ में सौंप दी गई थी। हालांकि अब चूंकि कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है, ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग की यही कोशिश है कि पंचायत चुनाव का आयोजन समय पर करवा लिया जाए, जिसको लेकर तैयारियों का दौर शुरू हो गया है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।